हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बेहतर सेहत के लिए आप खाना खाते समय इन पांच बातों को याद रखें। अच्छी डाइट और व्यायाम बेहतर सेहत और जीवन के लिए हमेशा लाभकारी होती है, लेकिन इसके साथ ही आपके खान पान और जीने का तरीका भी आपकी काफ़ी हद तक आपको प्रभावित करती है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो भोजन करने से जुड़े यह पांच सूत्रों को आपको जरूर पता होना चाहिए। आइए जानते हैं। पहला सूत्र है, खाने को आप चबा चबा कर खाना चाहिए। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है कि बल्कि प्रत्यक्ष तौर पर आपकी सेहत पर असर डालती है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि हमारे मुंह में जितने दांत हैं हर निवाले को उतनी बार यानी 32 बार चबाना चाहिए। आप भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप निवाले को चबा कर खाएं। दूसरी चीज़, खाना खाने के दौरान पानी बिल्कुल ना पिए। पानी का सेवन खाना खाने के आधा घंटा पहले व आधा घंटा बाद में ही करना चाहिए। यह पाचन के लिए फायदेमंद होता है और आपकी सेहत भी सही रखता है। तीसरी चीज, रात के खाने को लेकर आप सतर्क रहें तो आपका स्वास्थ्य संबंधी आपको कभी भी परेशानियां नहीं होंगी। ज़्यादातर समस्याएं पेट के कारण होती हैं और अगर आप देर रात खाना खाते हैं तो वह सही तरीके से पच नहीं पाता, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। कोशिश कीजिए सोने से कम 2 घंटे पहले आप भोजन कर लें और हल्का भोजन करें। चौथी चीज, खाना खाने के तुरंत बाद आइसक्रीम, ठंडा पानी आदि का सेवन ना करें, अन्यथा आपको पाचन संबंधी व कब्ज संबंधी समस्या हो सकती है। इसका कारण है आपकी पाचन अग्नि का समाप्त होना। इसका आपकी सेहत पर गलत असर पड़ता है, इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी ठंडी चीज ना खाएं। पांचवी चीज, खाना खाने के साथ सभी फलों का सेवन ना करें। यह पाचन तंत्र की प्रक्रिया को बिगाड़ कर रख देता है और फिर आपको पाचन व पेट से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फलों का सेवन हमेशा भोजन के आधा घंटा पहले ही हमें कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये पांच ऐसे नियम या सूत्र थे। यदि आप इसको खाना खाते समय इनको बांध लेंगे यानी इनको आप याद रखेंगे तो कभी भी आपको पेट से जुड़ी समस्या नहीं होंगी और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सभी तरह की समस्याएं पेट से ही उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसमें आयुर्वेदिक उपाय एवं आयुर्वेदिक नुस्खे लेकर आते हैं जो आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखेंगे। धन्यवाद।